नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी को बताना होगा। जैसे कि आपसे भी बहुत सारे पासपोर्ट होता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन हो गया, फिर कोई वेबसाइट हो गया जिसमें आप अपने जीमेल से या फिर फ़ोन नंबर से लॉगिन करते हैं, और वहाँ पे क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल होता है वहाँ पर पासपोर्ट सेव कर लेता है। तो सेव्ड पासपोर्ट जो होता है, उस पासपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे उस पासपोर्ट को देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस सेव पासपोर्ट को देखने के लिए आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन के होम स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको जो आपके फ़ोन में गूगल क्रोम होता है उसको उस पर क्लिक करना है। गूगल क्रोम पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिलता होगा, जो आपको जीमेल दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको इस जीमेल पे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस जीमेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जीमेल दिखाई देगा। उसके बाद से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट मैनेज का। यहाँ पे अलग अलग आपके फ़ोन में अलग अलग तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कहीं पे केवल और केवल यहाँ पे आपको पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैनेज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में केवल पासपोर्ट लिखा हुआ होगा या फिर पासपोर्ट कुछ ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पासपोर्ट मैनेज लिखा है तो उस पर आपको आने के बाद क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे कि मेरे फ़ोन में कुछ ऐसे फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपके फ़ोन में जैसे कि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग फंक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको या तो लिखेगा पासपोर्ट, उसके बाद से आपको यहाँ पे बहुत सारा ऐसे करके आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि उसके नीचे आपको जो जो आप एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं android.com करके एक जो वेबसाइट है, इस पे हमने लॉगिन किया है। तो यहाँ पे इसका जो पासपोर्ट सेव है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तब देख पाएंगे। यहाँ पे fambaby.in करके एक वेबसाइट है जिसपे हमने लॉगिन किया है, तो इसका पासपोर्ट यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे जैसे कि करके आपको जैसे फेसबुक होगा तो फेसबुक यहाँ पे जो वेबसाइट होगा वो करके यहाँ पे आपको बारी बारी से बहुत सारा जितने सारे आपके क्रोम पे पासपोर्ट सेव होंगे सभी पासपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसको पासपोर्ट को देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पासपोर्ट मांगेगा, आपके फ़ोन का जो स्क्रीन पासपोर्ट होता है होम स्क्रीन, उस पास उसको आप डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका जीमेल दिखाई देगा या फिर आप जिससे लॉगिन किए होंगे मोबाइल नंबर से तो मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस पासपोर्ट को देखना है तो यहाँ पे आई वाला पे क्लिक करेंगे, आई वाला पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पासपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पासपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो पासपोर्ट होगा उस पासपोर्ट को आप यहाँ से आकर इजीली आप अपने क्रोम ब्राउजर पे उस पासपोर्ट को देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।